हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा बलेरो पावर प्लस V6 डिफेंसर और हल करना सीखें। दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी आई हुई थी जिसका हमारे 60 से 75 के बीच में एक आवाज़ आती थी घूँ घूँ की, जो कि डिफेंसर से आती थी। वो किसके लिए आती थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने डिफेंसर खोल लिया था, दोबारा से हमने डिफेंसर कड़ा पिनियन जिसे क्राउन पिनियन बोलते हैं उसको हमने दोबारा फिट किया था। दोस्तों सबसे पहले हमने बैरिंग ठोके थे पिनियन के, दोनों साइड के स्लिप लगाई हमने। दोस्तों लगाने के बाद हमने डिफेंसर को बैरिंग को लगाया, क्योंकि हमने चारों बैरिंग बदले थे, पिनियन कड़ा बदला था और उसकी अच्छे से सेटिंग की थी। दोस्तों उसके बाद हमने इसका लगा दिया इसको, फिर इसके ये वायर से लगाई है मोटी वाली। दोस्तों मैं इसको ठोका अच्छे से, उसके बाद हमने वायर से लगाई है बड़े वाली। तो उसके बाद दोस्तों हमने इसका बोर्ड लगाया। तो दोस्तों उसके बाद हम देखे घुमा, थोड़ा टाइट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल भी करवा नहीं होना चाहिए, फिर थोड़ा टाइट होना चाहिए, प्ले नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी पिनियन में। तो दोस्तों हम इसे गेज के साथ भी देखेंगे कितना टॉर्क्स लगा रहे हैं। दोस्तों हमने गेज से नापा इसको कितना। तो सवाल सही आए थे। तो अब हम क्राउन को फिट करेंगे। क्राउन के जो बोल्ट होते हैं वे उल्टी चूड़ी के होते हैं, जैसे हम टाइट करते हैं तो खुलते हैं, लूज करते हैं तो टाइट होते हैं।
दोस्तों जब हम निकालते तो उसको थोड़ा टाइट निकलना चाहिए और टाइट लगना चाहिए, ऐसे नहीं उठाया निकाल दिया उसको रात पे, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जब आप निकालोगे तो उसको थोड़ा टाइट निकलेगा ये, तभी ओके होगा। दोस्तों अब इसे डायल गेज से हम इसकी प्ले नापेंगे, क्राउन की और पिनियन की प्ले नापते हैं, देखो कितनी आ रही है डायल गेज से। तो दोस्तों हमारी जो ओके आ रही है प्ले, इतनी होनी चाहिए जितनी मैनुअल में आती है, तो इतनी प्ले है इसमें। दोस्तों अब हम साइड की नापेंगे प्ले, तो दोस्तों इस प्रकार से हम साइड की प्ले नापते हैं, साइड में सीम होती है बैरिंग के। तो दोस्तों यहाँ पे भी प्लेस की ओके है। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको डिफेंसर को और धुल सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों हम देसी नुस्खे से करेंगे इसको, देखते हैं। तो एक कागज़ लगाएंगे, जो पेपर होगा उस पर ग्रीस लगाएंगे। दोस्तों से इसको राउंड देंगे, जो ये पेपर हमारा कट गया तो प्ले हमारी ज़्यादा है, जो नहीं कटा है तो हमारे प्ले ओके हैं, क्योंकि दांत मिल के चल रहे हैं तो आवाज़ ज़रूर आएगी, जो मिल के नहीं चलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी हमारी। दोस्तों ने पेपर लगाया इस पर, इसको राउंड देते हैं। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है पेपर, क्योंकि पेपर कटा नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारी